हेलो दोस्तों, चलिए आइए आज जी मेंस के थ्रू जो एडमिशन होता था उसका आज मॉक रिजल्ट आ चुका है। चलिए आज देखते हैं उसका मॉक रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, कैसे लोड किया जाता है। सिंपली सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आप क्रोम ब्राउज़र को खोल लीजिए। सर्च इंजन इस टाइप का खुलेगा और इस टाइप का खुलने का मतलब है यहाँ पर अपना वेबसाइट डालना है, जो भी जैसे कि अभी फुल टाइम जी मेंस के लिए कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, तो लिखेंगे इसका वेबसाइट है, इसका वेबसाइट BCEC यहाँ पे आ चुका है bcecboard.bihar.gov.in। इतना वेबसाइट के पर जा करके आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ से क्लिक, जैसे यहाँ गो का ऑप्शन है, गो कर दिया तो एक नया लिंक खुलेगा और इसमें देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट ये वाला देख लीजिए, मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ UGAC.bihar 2019। ठीक, यानी कि यहाँ सबमिट हो चुका है, मतलब पब्लिश हो चुका है। चलिए तब आज देखते हैं कहाँ था। इसमें दिया हुआ व्यू मार्क्स रैंक्स, व्यू मार्क्स रैंक क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये जो है अभी थोड़ा मोबाइल में कठिन दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इसको डेस्कटॉप साइज कर देते हैं ताकि देखने में आसानी होगा। डेस्कटॉप साइज करने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्यू UGAC 2019 मॉक अलॉटमेंट। ठीक, मॉक अलॉटमेंट अभी जो है मॉक दिया है, हो सकता है इसको फाइनल दे दे, फाइनल रिजल्ट बाद में दे, इसे लेकर के ये वाला चेक करना जरूरी होता है कि किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज या कौन सा ब्रांच मिला। पहले तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग चूज करना होगा, उसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी डालना पड़ेगा जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको मिला था, और उसी समय आप पासवर्ड क्रिएट किए होंगे वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन, ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल देना है। ठीक, डाल करके उसके बाद क्या करना है, यहाँ से साइन इन कर देना है। साइन इन करते ही आपको एक अपना नया लॉगिन पेज पर दिख जाएगा जो कि वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं जो ताकि आसानी से पता चले। यहाँ और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, चॉइस फिलिंग जो आप किए थे वो दिया हुआ है, प्रिंट अलॉटमेंट ऑर्डर, मॉक रिजल्ट्स के बाद फाइनल रिजल्ट जैसे ही आएगा ये प्रिंट अलॉटमेंट ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, लेकिन अभी मॉक रिजल्ट दिया हुआ है कि किस स्टूडेंट का किस कॉलेज में दिया गया है, तो सिर्फ वो ही पता चल रहा है। जैसे कि हम क्लिक करते हैं मॉक रिजल्ट पे, तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे दे चुका है, ये है जैसे कि जूम करके हम बताते हैं, ये नीतीश कुमार कैंडिडेट का है, नीतीश कुमार फादर्स नेम जो भी है आप देख सकते हैं, और कैटेगरी ESC में है और मेरिट रैंक JEE की JEE मेंस के थ्रू जो हो रहा था, इसमें जनरल में 8205 है रैंक और SC में 1049 है। ठीक, और देखते हैं इसको क्या मिला गया, कौन सी कॉलेज मिला गया है। देखिए चॉइस नंबर 4 राउंड नंबर फर्स्ट मॉक में ही आया है, जो कि इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर दिया हुआ है, और अलॉटमेंट कोर्स जो कि ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग मिला है, और इसका देख लीजिए अलॉटमेंट कैटेगरी SC में और अलॉटमेंट रैंक SC में, ये सॉरी SC में तो नहीं है, यहाँ जनरल में है, ये SC लिखा गया है यहाँ पे, अब देखिए किस अनुसार से वहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सेट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन UGAC 2019 रिमार्क ऑन SC सीट, जो मतलब SC सीट के थ्रू जो है मतलब मिल सकता है ये। अब फाइनल अलॉटमेंट लेटर के वेट कर रहे हैं, अब इसे जो है डाउनलोड कैसे करना होगा, तो डाउनलोड हर मोबाइल का तो अलग अलग नियम होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और इस पर शेयर का बटन है, शेयर पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रिंट मिल चुका है, प्रिंट का ऑप्शन आया, तो इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करते ही आपको प्रिंट पेज पर लग जाए, अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो आप प्रिंट दीजिए, वरना यहाँ से प्रिंट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पर क्लिक करके साइड में आ गया, वहाँ से यहाँ पे आएगा, हम बता देते हैं कहाँ पर आए थे आप। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन, ये वाला PDF का ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पे जा करके आपको ये डाउनलोड पेज आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। देखिए ये ऑटोमेटिक थोड़ा देर लोडिंग पेज पर भेज है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जिस फाइल में ये रिसेंट फाइल में है डाउनलोडिंग फास्ट से सेव कर लीजिए, अपना सेव हो जाएगा। ओके, हमको